तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर अगर हमें एक प्रेजेंटेशन बनानी है तो किस तरह से शुरू करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपनी फाइल को सेव कर दिया है, और बल्कि मैं यहाँ इंट्रोडक्शन के नाम से, पावर पॉइंट के नाम से। अब देखिए, पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ना, सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। अगर आपके पास टॉपिक ही नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन क्या बनाएंगे? नंबर वन कि आपको क्या रिक्वायर्ड होगा, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं लेआउट कंटेंट, टॉपिक होना चाहिए आपके पास, ठीक है? तो एक टॉपिक हमारे पास होना चाहिए। नंबर टू, टॉपिक से, टॉपिक के बाद उससे रिलेटेड रिलेटेड टेक्स्ट कंटेंट्स होना चाहिए, इमेजेस का कंटेंट्स होना चाहिए, ठीक है? और फिर आपके पास एक थीम होनी चाहिए। ये चार चीजें अगर आपके पास पूरी हैं तो आप कोई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। अब इनमें से अगर कुछ भी नहीं है तो आप प्रेजेंटेशन नहीं बना पाएंगे। तो अब बिगिनर्स के लिए मसला ये आता है कि यार, ये सर ने दे तो दिया है लेकिन अभी करें क्या, ठीक है ना? लेकिन अब आप बिगिनर्स तो रहे नहीं, आप तो बेहतर हो गए। तो लास्ट टाइम हमने एआई का यूज बताया था आपको। अब आपके पास तो टॉपिक नहीं है तो आपको बनानी है प्रेजेंटेशन, तो चले भाई हम यूज करते हैं एआई को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाते हैं, चैट जीपीटी के पास कहते हैं। मैंने आपको जेमिनी के बारे में बताया था, इसके साथ साथ मैं आपको ओपन आई के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ से आप अपनी जीमेल की आईडी से लॉगिन करेंगे, और जैसे ही लॉगिन करेंगे तो अब आप इसको बताएंगे एक प्रॉम्प्ट। अब प्रॉम्प्ट क्या कहेंगे इनको, ठीक है ना? सपोज फिर हमारे पास टॉपिक होना चाहिए, तो इसको एक प्रॉम्प्ट देते हैं, सिंपल सा देते हैं कि भाई, अच्छा जीमेल के साथ लॉगिन करा लेता हूँ मैं इसको अकाउंट से। पूरा हो गया, मैं उससे खोलता हूँ दूसरे प्रोफाइल पर। एक काम नहीं करे तो दूसरा ले लें, हो सकता है इसमें कुछ कभी कभार इनमें काम भी हो रहा था ना। ओपन एआई, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का, समझ लें ये एआई फीचर उनका है, ये चैट जीपीटी का है, ओपन एआई है। तीसरा गूगल वालों का खुद का है, जो मैंने कल बताया था आपको, कौन सा है वो, जेमिनी, ठीक है? कोई भी नहीं खुल रहा है, मतलब खुला, ये भी नहीं खुला, चलें खुल गया, जेमिनी से काम ले लेते हैं, ठीक है? अब हम जेमिनी को कह रहे हैं कि जेमिनी प्लीज क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन, किस पर बनाए, हाउ टू यूज पावर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, ठीक है? सजेस्ट इजी इंग्लिश वर्ड्स, ठीक है? चलें इसको एक टास्क देते हैं, देखते हैं क्या करता है ये। कल तो ये कह रहा था कि मैं अभी समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ। चलें जी, इसने बना दिया, तो ये नंबर भी दे रहा है हमें, ये इसने प्रेजेंटेशन बना के हमें दे दी, ठीक है? यहाँ पे इसने इमेजेस को शो करना है। अब कैसे शुरू करेंगे इसको? कह रहा है स्पीकर नोट्स में, कह रहा है कि हेयर इज द, ये वेलकम टू पावर पॉइंट, ये आप फोटो भी दे रहा है, देखे ना, अच्छी बात हुई है। इसको अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे फोटो, ये डाउनलोड होके आपके पास डाउनलोड्स के फोल्डर में चले जाएंगे, डाउनलोडिंग फुल साइज, ओके, हाँ ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। अब पावर पॉइंट में आएंगे आप, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सपोज टू बी यहाँ पर आपने ये इंट्रोडक्शन लगाना है, तो आपने किया यहाँ से लेआउट,
और यहाँ पे गए इंसर्ट में, और यहाँ से क्लिक किया पिक्चर पर, और यहाँ से आप चले गए डाउनलोड्स के फोल्डर में। ये आपने लिया फोटो, ये लगा दिया आपने फोटो इस तरह से यहाँ पे, और यहाँ से लेके आपने ये इस तरह से स्ट्रेच कर दिया। वेलकम टू प्रोसेसमेंट, ये क्या लिख दिया इसने, पावर पॉइंट या प्रोसेसमेंट लिख दिया। चलो इसको हटा दो, फिर हम खुद अपना बना लेते हैं लेआउट में जाके सेक्शन में। वेलकम टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019, ठीक है, डिजाइन बाय मास्टर फैशन। ये हमने इसके बीच में अपना एक ऐड कर दिया, सही, कंट्रोल एस सेव कर दी मैंने अपने फाइल। सेकंड नेक्स्ट में क्या कह रहा है स्पीकर, वेलकम टू एवरीवन, टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज पावर पॉइंट। कंट्रोल सी किया स्पीकर नोट्स को लिया, और यहाँ पे हमने लिखा इंट्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख के पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी से। अब यहाँ पे करने के बाद हम गए यहाँ से न्यू स्लाइड के ऊपर, न्यू स्लाइड पे क्या ले रहा है, स्लाइड नंबर 2 पे इसका इंट्रोडक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखा क्या बता रहा है, द रिबन, ठीक है, टाइटल है द रिबन स्लाइड 2 का, तो यहाँ पे आपने लिया इसको, क्लिक किया कंट्रोल सी एंड देन कंट्रोल वी एंड देन क्लिक किया यहाँ पे, और ये इसके कुछ कॉन्टेंट्स हैं जो आपने यहाँ पे फड़प कर दिए, ठीक है। अभी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल सी से, ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्लिक किया स्पीकर नोट्स का था रिबन डिस्क्राइब, तो कंट्रोल सी एंड देन डिस्क्राइब जो है हम किस पे ले लेते हैं, इस पे भी सही रहेगा स्पीकर नोट्स पे, ठीक है, और यहाँ पे बता दिया कि रिबन और ये एक्स्ट्रा है, सेम जो टॉपिक है इसका यहाँ द रिबन, यहाँ से कॉपी करेंगे इसको यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, आ गया। और इस तरह से स्लाइड नंबर 3 पे बिल्डिंग योर स्लाइड्स क्लिक करेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पर कोई इमेज नहीं था तो यहाँ पे देख लेते हैं, बिल्डिंग योर स्लाइड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं बिल्डिंग योर स्लाइड्स और क्लिक करेंगे, इसके जो कंटेंट्स थे क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर बताया इसने, एक चीज़ करेंगे इसके ऊपर, और फिर ये टू बिल्ड योर स्लाइड्स के बारे में कुछ डेफिनेशन है, और यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे बल्कि इसी का राइट बटन दबा के डुप्लीकेट ले लेते हैं स्लाइड का, और लेने के बाद अंदर कॉन्टेंट डिलीट करते हैं, उसकी जगह पे वो कॉन्टेंट पेस्ट कर देते हैं। तो ये कॉन्टेंट मैंने यहाँ पेस्ट किया, लेकिन ये कुछ अजीब तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है, सही नहीं आ रहा, तो दोबारा सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी करेंगे इसको और कॉपी, एंड देन इसका जो टेक्स्ट बॉक्स था उसमें पेस्ट करते हैं। अच्छा, सारा का सारा एक कंटेंट में आ रहा है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ से जाके एक और नया ऐड करा लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सही आ गया इसमें, और यहाँ का जो इसका टेक्स्ट है यहाँ से कंट्रोल सी एंड देन यहाँ जाके कंट्रोल वी कर दिया, यहाँ से कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, ठीक है। स्लाइड नंबर 4 पे आ गए, अब इसकी इमेज जो हमें लगानी है, इसने इमेज भी सजेस्ट की है, अगर आपको ये समझ में आता है तो ठीक है, वरना आप अपना भी सर्च कर सकते हैं इंटरनेट से कोई इमेज निकाल दें, जैसे बिल्डिंग योर स्लाइड्स, आप बिल्डिंग योर स्लाइड्स की इसने जो इमेज दी यहाँ से क्लिक कर देते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, फिर इसको लगाएंगे कैसे, ठीक है। बिल्डिंग योर स्लाइड्स की जो इमेज है वो पहले आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में बिल्डिंग योर स्लाइड्स, और फिर यहाँ पे जाके एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कराएंगे, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट में जाके यहाँ पे आ जाएंगे हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे जाके ये जेनरिक पहला ये था दूसरा ये होगा, क्लिक करेंगे ये ऐड हो गया, और इसको क्लिक करके यहाँ से ले जाके इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर देंगे ताकि ये इस तरह से नज़र आ जाए, स्लाइड्स कुछ इस तरह से क्रिएट होंगी इसकी। तो ये एक फोटो इसका हमें इसने सजेस्ट कर दिया, और यहाँ पे इसको ऐड करा लिया। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और फिर मेकिंग योर साइड्स शाइन, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, और इस तरह से आपने यहाँ पे क्लिक करके ये वाला इसके टॉपिक्स जो हैं वो ले ले रहे हैं यहाँ पे इसकी एक स्लाइड के ऊपर, यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, एंड देन फिर यहाँ पर स्पीकर नोट्स ले लेना है, फिर इसको आपने कॉपी कर लेना है, एंड देन फिर क्लिक करके यहाँ से न्यू स्लाइड लेके इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्लिक कर रहा था यहाँ पे कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी कर देंगे, तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अब इसकी जो इमेज है यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेते हैं ताकि वो आ जाए इसमें, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे जाके एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कराएंगे, और क्लिक करके इंसर्ट में जाके पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से हमें पिक्चर मिल जाएगी, और पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ डबल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर इसको रखेंगे, और उसको स्ट्रेच कर देंगे स्लाइड के ऊपर पूरा इस तरीके से, तो ये इस तरह से हमारा पिक्चर आ जाएगा। इसका क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से एक नई स्लाइड लेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और मेकिंग योर ऑन स्लाइड्स के बाद जो है हमारी 5 स्लाइड्स आर प्रेजेंटिंग विद कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर रखा हमने, और फिर यहाँ से क्लिक करके इसके जो कंटेंट्स लिए उसको यहाँ क्लिक करके पेस्ट कर, एंड देन फिर यहाँ पे क्लिक करके एक और नया स्लाइड डाला, और यहाँ से हमने इसका जो स्पीकर नोट्स था वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे लेके पेस्ट कर दिया,
और फिर स्लाइड 6 पे चले गए, कंक्लूजन पे क्लिक कर दिया। इससे रिलेटेड कॉपी पेस्ट हो रहा है अभी जब मैं इसको, ठीक है अभी तो कॉपी पेस्ट ही कर रहा था, ठीक है। तो कंक्लूजन लेंगे हम यहाँ से क्लिक करेंगे कंक्लूजन पर, और यहाँ पे कंक्लूजन हमने इसका लिख लिया, तो यहाँ पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे स्पीकर नोट्स इसके नहीं है, तो ये कंक्लूजन इसका हो गया कंप्लीट। तो ये हमने यहाँ पे सारा डेटा ले लिया, ठीक है। अब ये तो आपने समझे कि वो काम जो आपको करना था वो आपने AI से ले लिया, मतलब आपको टॉपिक ढूंढना था, टॉपिक के बाद कंटेंट ढूंढने थे, कंटेंट आपने AI से ले लिए, उसको ले जाके प्रेजेंटेशन के अंदर रख दिया। तो आपको इस तरह एक जो बीच का एफर्टलेस काम होता है, मैं जब भी पावर पॉइंट पढ़ाता था उसमें यही मसला होता था, बच्चों को टॉपिक दे रहे हैं बच्चे पागल, सर क्या लिखें, अब सर क्या लिखें, सर के साथ भी यही मसला होता था, सर पावर पॉइंट सिखा रहे हैं इंग्लिश के ऐसे बनाना नहीं सिखा रहे, तो इसमें छोटे छोटे बनाता था फिर मैं कि भाई ये कंप्यूटर पे बना लें दो दो लाइन की डेफिनेशन, पर हमारा ये मसला AI ने सॉल्व कर दिया। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ये चीज़ आपको ट्रेंड कर रहा हूँ कि आपने इससे ज़्यादा और खेलना है इसके साथ। और जैसे अब उसमें होता ये था कि एक प्रेजेंटेशन बनाने में 4 दिन लग जाते थे, बच्चे के पास इतना टॉपिक 10 स्लाइड की बनानी पड़ती थी, अब हम क्या करेंगे, अब आपको 10 टॉपिक दे देंगे 4 दिन में बना लेंगे आप, सही है ना, ठीक है ना, अब आपके लिए मसला नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करनी है, और अब AI को इंटरेक्ट रखना है अपने साथ, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे, इसको साथ रखना है, ये देखें कितना काम कर लेता है हमारे लिए। ओके, अब हमें क्या करना है कि भाई अब इसका रखाना है अरेंजमेंट, कैसे करेंगे, याद रखें कि जब हम अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो ये हमारी टाइटल स्लाइड है, ये 60 पे ही होना चाहिए टाइटल, और ये जो नीचे दिख रहा है ये होना चाहिए तकरीबन 40 पर, ठीक है, क्यों कि अब जैसे मैं इसको स्लाइड शो करूंगा ना जैसे ही, तो अब आप देखें कि जब आप यहाँ से बैठ के देख रहे हैं सही दिख रहा है, और इसको आपने आइडिया ही करना होता है कि 50 फिट दूर आदमी है और मेरी जो स्क्रीन है जो लगी हुई है वो तकरीबन 10 फिट चौड़ी है, कितनी फिट चौड़ी है, 10 फिट कहते हैं, ये दीवार पूरी 10 फिट की चौड़ी है, सही है, और इसको अगर 2 फिट यहाँ से निकालेंगे तो 8 फिट की स्क्रीन है, 6 फिट की स्क्रीन है, तो ऐसे आपने एडजस्ट करना कि जो 50 फिट दूसरा आदमी बैठा होगा, 50 फिट का मतलब ये है कि ये जो स्क्रीन है वो उस वाली दीवार पे लगी हुई है, और एक जो शख्स है आखिरी वाला वो गेट के वहां खड़ा हुआ होगा या बैठा हुआ होगा, तो उसको मेरा कंटेंट सही नजर आना चाहिए, तो वो इसी तरह नजर आएगा जब आप फॉन्ट साइज को इनक्रीज करेंगे। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपका जो क्रिस्प पॉइंट है वो आपके हाईलाइट होने चाहिए, डेफिनेशंस नहीं लिखनी है हमें इसके ऊपर, और डेटा लिमिटेड डेटा एक स्लाइड पर रखना है, बाकी स्लाइड को खाली रखना है, ठीक है, 10 से 20 अल्फाज आए बस बाकी खाली रहे। तो चले अब यहाँ पे देखते हैं, इसके बाद आ जाते हैं बाहर। तो अब आते हैं ये वाला डेटा कैसे अरेंज होगा, इसमें भी एक सेटिंग आपने रखनी है, सेलेक्ट करके ये 44 पे रख रहे हैं अगर आप सेटिंग, तो सारे टाइटल 44 पे होने चाहिए, वरना इनको 48 पे सेट कर दें अगर आपके टाइटल छोटे हैं, तो सबको सेलेक्ट करते जाएं 48, ओके। जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे 48 पर, फिर आप आएंगे सब कंटेंट्स की तरफ। सब कंटेंट्स आपके होने चाहिए 32 या 36 स्टैंडर्ड है, बहुत ज़बरदस्त है, इस पर होने चाहिए, और अगर स्पेसिंग है आपके पास जगह है तो लाइन की स्पेस को भी थोड़ा सा मेंटेन करें, अगर आउट ऑफ बॉक्स जा रहा है फिर यहाँ पे जाके 1.15 ले लें इसका लाइन स्पेस। ठीक है, तो थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाएगा। जस्टिफाई करना चाहते हैं जस्टिफाई कर दें। अब यही सेटिंग बार बार सब पे करनी है, तो हम यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर और ले जाके जस्ट इस पे अप्लाई करेंगे। ओके, दोबारा से करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पर। अच्छा, ये मैं क्लिक करते ही खत्म हो जाता है वो, ठीक है, तो भाई फिर करना पड़ेगा इसको दोबारा से, सेलेक्ट करेंगे आप इसको, और इसमें एक और काम भी ये करना पड़ेगा, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ,
इसमें जब हमने कॉपी पेस्ट किया तो ये सेंटर में आ गया इसके, तो यहाँ से साइज को इंक्रीज करके 36 पे करना है इसको, और जस्टिफाई करना है कंटेंट्स को, बॉक्स के साइज को मेंटेन करना है, ठीक है। अच्छा इसको सिलेक्ट करके फिर इसके अंदर का जो स्पेस है मेंटेन करना है लाइन स्पेस, तो यहाँ पे जाके आपने ठीक है इस तरह से ये सारा का सारा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो फिर जाके ये कुछ आपका अरेंजमेंट कुछ बेहतर होगा। बॉक्स का इसको भी इस तरह से यूं रखना है आपने, ठीक है। फिर चलें आगे कंट्रोल ए, एक एक को इस तरह से सेट करते जाना है, ठीक है। तो आपका प्रेजेंटेशन सेट होता चला जाएगा, देख रहे कंट्रोल एस करते चले जाए। फिर देख लें 48 सिलेक्ट ऑल, फिर इसको क्या करेंगे आप 36 ये बाहर जाएगा, फिर आपने इसको से कंट्रोल करना है, फिर आपने इसके बॉक्स का इसको मेंटेन करना है कंट्रोल ई करना है, फिर आपने लाइन स्पेसिंग को बढ़ा देना है, फिर इसकी मल्टीपल लाइन स्पेसिंग को सेट करें 5 या 1.5 इस पे सेट करें, उस पे सेट करके कंट्रोल ए करके जस्टिफाई पे सेट कर दें। इस तरह से आपको सेट करना है, दोनों साइड पे अलाइन हो जाएगा ना पैराग्राफ इधर से और इधर से, ठीक है। अब आप जब इसको स्लाइड शो करके देखेंगे तो अब ये आपको एक अच्छा लुक देगा। नेक्स्ट करने के लिए क्योंकि मेरा प्रेजेंटेशन मैनुअल है तो नेक्स्ट राइट का बटन दबाएंगे, हो जाएगा वो भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसमें अच्छा सा डिजाइन ऐड करने के लिए इसमें बने बनाए डिजाइन है तो डिजाइन के टैब में चले जाएंगे। अच्छा जब डिजाइन लेंगे तो इसके फॉर्मेट और स्टाइल खुद ही अप्लाई हो जाएंगे। लेट सपोज अगर हम इसको ये वाला डिजाइन दे रहे हैं तो ये कैसा लगेगा, ये वाला डिजाइन दे रहे हैं तो कैसा लगेगा, ये डिजाइन दे रहे हैं तो कैसा लगेगा, ठीक है। क्लिक करते हैं तो ये डिजाइन हमने इस पर अप्लाई कर दिया, तो ये देखें आप कुछ इस तरह से अप्लाई होगा, ठीक है। और अगर कोई और डिजाइन देना है आपको तो ये वाला दे दें इसको डिजाइन, तो ये देखें इस डिजाइन पर किस तरह से अप्लाई होगा। समझ रहे हैं बात को, तो इस तरीके से आप इसको खुद से एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गई, जब स्लाइड शो करेंगे तो ऑडियंस के सामने आप इसको इस तरीके से चला के दिखा सकते हैं, बैक कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, स्कैप कर सकते हैं, तो इस तरह से बाहर आ जाएंगे।